दोस्तों कंप्यूटर की एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सिस्टम है जिसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो स्क्रीन पर इस तरह से कुछ लिखा हुआ आता है, रिबूट एंड सिलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस और इंसर्ट बूट मीडिया इन सिलेक्टेड बूट डिवाइस एंड प्रेस ए की। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो क्योंकि सिस्टम बता रहा है कि प्रेस एनी की, तो हम कीबोर्ड में की जो है प्रेस करते हैं, कोई भी की प्रेस करते हैं, तो सेम चीज़ सेम लाइन दोबारा से लिखी हुई आती है। इसके अलावा सिस्टम में कोई भी अपडेट नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे मामले में ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम जो होती है वो हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम होती है। हम कुछ भी करेंगे हमेशा जो है स्क्रीन पर यही मैसेज लिखा हुआ आएगा, इसके अलावा कोई अपडेट नहीं होता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो हार्ड डिस्क की होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती दोस्तों। कई बार कुछ चांस ये होता है कि हार्ड डिस्क के अलावा दूसरी प्रॉब्लम भी आए। मैंने अपनी हार्ड डिस्क को दूसरे सिस्टम में लगा के चेक किया तो मैंने देखा कि मेरा जो हार्ड डिस्क है वो दूसरे सिस्टम में काम कर रही थी। तो हुआ क्या कि मैंने अपने जो हार्ड डिस्क थी उसकी जो दो केबल होती हैं, तो मैंने साटा वाली केबल को चेक किया, साटा वाली केबल को मैंने जो है लगा के देखा, तो मैंने पाया कि मेरी हार्ड डिस्क बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर जो विंडो डली है वो भी ठीक है। मेरी जो साटा केबल है, ये जो वायर पतली वाली वायर होती है, ये वाली वायर, ये जो साटा केबल है ये जहाँ से हार्ड डिस्क में कनेक्ट होती है यहाँ से, तो ये जो है ये ख़राब है, ये वायर काम नहीं कर रही है किसी वजह से। तो मैंने अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी वायर लगा रहा हूँ, मैं इसकी जगह पे दूसरी वायर लगाऊंगा और वो आपको दिखाऊँ। ये पुरानी वाली वायर है दोस्तों, पुरानी मीन्स जो दूसरी लगा रहा हूँ वो भी पुरानी है, ये वाली, ये मैं लगाऊंगा, ये वर्किंग में है, ये मैंने दूसरे कंप्यूटर से निकाली है, तो ये वर्किंग में है, इसको मैं लगा रहा हूँ और इसको लगा करके मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे इस वीडियो का मकसद ये था कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हार्ड डिस्क ही ख़राब हो। हाँ, बहुत चांस होता है कि हार्ड डिस्क जब ख़राब होती है तो इस तरह का मैसेज दिखाई देता है, लेकिन कई बार जो हार्ड डिस्क की केबल जो होती है, साटा केबल, डाटा केबल, साटा बाटा जो केबल होती है, कई बार वो प्रॉब्लम कर जाती है तब भी इस तरह का मैसेज शो करता है। तो आप हार्ड डिस्क को चेंज करने से पहले, रिपेयर करने से पहले, दिखाने से पहले आप अपनी वायर को ज़रूर चेक कर लें, दूसरी वायर उसमें लगा के देख लें थोड़ा सा क्लीन करके, तो वायर की प्रॉब्लम में भी इस तरह का मैसेज आता है, देखिए मैंने वायर चेंज किया है और मेरा जो सिस्टम है वो वर्किंग में है, यानी कि इसमें जो विंडो डली थी वो भी ठीक है और मेरी हार्ड डिस्क भी ठीक है, सिर्फ केबल में प्रॉब्लम थी जो कि मैंने चेंज कर दिया है और मेरा सिस्टम जो है ये वर्क कर रहा है।